तो लो दोस्तों, Xiaomi ने फोड़ दिया बॉम्ब, नए साल का शुरुआत कर दिया अपने MIUI 11 से। दोस्तों ये अंडर डिस्कशन चला गया, देख सकते हैं आप। तो इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिसे पोर्ट्रेट मोड, MIUI 10 का अपडेट या बात करें तो फेस अनलॉक कुछ अभी तक नहीं मिला है और MIUI 11 डिस्कशन में आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ MIUI 11 के बारे में, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते ही रहते हैं। तो कैसे आप लोग लोग तो दोस्तों बात करते हैं MIUI 11। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जिन्हें अभी बहुत सारे फीचर MIUI 10 के मिलना बाकी हैं, या बात करें तो MIUI 10 का स्टेबल अपडेट ही नहीं मिला है। तो दोस्तों जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको तो जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं MIUI 11 पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अंडर डिस्कशन चला गया है। ये MIUI का लोगो है, मतलब ये MI कंपनी का लोगो है, जिसका मतलब है अब ये डिस्कशन में आ चुका है। दोस्तों MIUI 11 बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो उसके फीचर भी यहाँ कुछ बताए गए हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। दोस्तों जो भी रैम मैनेजमेंट, मतलब जो भी गेमिंग के मामले में जो भी गेम ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ होने वाला है MIUI 11, क्योंकि MIUI 11 पूरा फोकस होने वाला है रैम मैनेजमेंट में। दोस्तों बहुत कुछ है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बात करते हैं MIUI 11। तो दोस्तों MIUI 11 पूरा बेस होने वाला है एंड्रॉयड पाई के अपडेट पे। दोस्तों एंड्रॉयड पाई का मतलब आप जान सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको एंड्रॉयड पाई का फीचर बता दूंगा कि एंड्रॉयड पाई में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो दोस्तों एंड्रॉयड पाई ये पूरा MIUI 11 एंड्रॉयड पाई पे बेस होने वाला है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे डिवाइस होने वाले हैं जिनको एंड्रॉयड पाई का अपडेट ही ना मिले, मतलब दोस्तों एंड्रॉयड पाई का अपडेट उन्हें नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि MIUI 11, दोस्तों Xiaomi ने ये भी कंफर्म किया कर दिया है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइस होने वाले हैं जिनको MIUI 11 का अपडेट ही नहीं मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे Xiaomi के डिवाइस हैं, तो दोस्तों सिर्फ 40 डिवाइस होने वाले हैं जिन्हें MIUI 11 का अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों वो कंफर्म लिस्ट अभी नहीं निकल के आई है, जैसे ही निकल के आती है मैं आपके लिए तुरंत लाऊंगा। दोस्तों बात करते हैं कि ये अपडेट में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों पहला तो मैंने बता दिया, ये पूरा का पूरा एंड्रॉयड पाई पे बेस होने वाला है, मतलब पूरी डिजाइनिंग गूगल के तरफ से एंड्रॉयड पाई पे दी जाएगी MIUI 11 को। और बात करते हैं सेकंड फीचर क्या होगा। दोस्तों इंट्रोड्यूसिंग देयर फ्रेमवर्क। दोस्तों ये क्या है, मतलब दोस्तों उनका सॉफ्टवेयर और भी अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करेंगे, मतलब आपको नए नए फीचर मिलने वाले हैं। देखिए जैसा कि लाइक OS और स्लिम रोम्स, मतलब बहुत ही सिंपल रोम होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे MIUI 9 बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्जन था और MIUI 10 बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया गया है, तब भी उसमें बैटरी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे ध्यान में रखते हुए MIUI 11 को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बनाया जाएगा, जिसके मदद से आपकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा बचेगी। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा क्या होने वाला है। तो दोस्तों बूटवेयर्स, दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम निकल के आते हैं। दोस्तों आज अगर मैं बात करूँ MIUI 10 की, तो दोस्तों उसमें भी बहुत सारे बूटवेयर हैं, बहुत सारे बग हैं। तो दोस्तों उस पर तो Xiaomi वर्क नहीं कर रही है, अब डायरेक्ट टू MIUI 11 की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि MIUI 10 एक मेरे तरफ से तो मैं मानूँ तो वो इंडिया में सक्सेस कर ही नहीं पाई है। दोस्तों चाइना में तो बहुत ज़्यादा सक्सेस किया है MIUI 10 ने, क्योंकि दोस्तों MIUI 10 का स्टेबल अपडेट तो सबको मिल गया है, पर जो फीचर की बात करें तो वो फीचर नहीं दिया गया है उन्हें, जैसे कि फेस अनलॉक, पोर्ट्रेट मोड, ये सब नहीं मिला है। और दोस्तों बात करें रैम मैनेजमेंट, दोस्तों जो अगला फोकस होने वाला है MIUI 11 का, तो दोस्तों वो होने वाला है रैम मैनेजमेंट में। मतलब जो भी गेमर हैं जो गेम खेलना अपने मोबाइल में ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर उनका 4GB रैम होता है तो 2GB उन्हें मिलता है, तो दोस्तों उन पे ही वर्क चल रहा है। दोस्तों अब जो भी गेमर हैं वो बहुत ही अच्छे से खेल पाएंगे अपने MI फ़ोन में गेम। तो दोस्तों आप ये जानते होंगे ये क्यों जल्दी से ये अपडेट लाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों Realme MI का नया टक्कर देने वाला एक मोबाइल आ चुका है, Realme U1। तो दोस्तों वो उसे पीछे छोड़ रहा है, वो OS का प्रोसेसर लेके आ रहा है, तो उसी के लिए अब आप MI को बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अपडेट आने वाला है आपको इस सीज़न में, मतलब ये आप देख रहे हैं ये 2019 में आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल भी देखने मिल सकते हैं, बहुत कुछ सस्ते मोबाइल देखने मिल सकते हैं। और दोस्तों नोट 7 भी लॉन्च होने वाला है, नोट 7 एक पहला स्मार्टफोन होने वाला है जो MIUI 11 के साथ लॉन्च होगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें मल्टीटास्किंग।
दोस्तों अगर आप भी बहुत ही हाई गेमर हैं, हाई ज्यादा परफॉर्म करते हैं अपने मोबाइल में, तो मल्टीटास्किंग आने वाला है। और दोस्तों अब बेस्ट वो न्यू लेवल ऑफ यूआई, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं MIUI 10 इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था, तो MIUI 11 कितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो दोस्तों होल न्यू यूआई आने वाला है MIUI 11 पे। बात करें तो एकदम न्यू फीचर के साथ ये यूआई को लॉन्च किया जाएगा और बहुत ही देखने में अच्छा होगा। दोस्तों अभी MIUI 11 का ये जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आ चुका है दोस्तों चाइना में। तो दोस्तों चाइना में बहुत जल्दी बहुत यानी धूर धड़ाके से चल रही है MIUI 11 पे काम। दोस्तों वहाँ पे तो बोला गया है कि फरवरी में वो अपना लीक वर्जन यानी लीक वर्जन है वो निकाल देंगे। आप चाहे तो उसे इंस्टॉल करके डाउनलोड भी कर सकते हैं फरवरी में दोस्तों, सिर्फ चाइना वर्जन के लिए। दोस्तों ये इंडिया में आने वाला नहीं है। दोस्तों बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि आपको ये अपडेट मिल जाएगा बहुत ही जल्दी जो MIUI 10 पे है। मेरे को ख्याल से लगता है कि MIUI 10 को बहुत ही जल्दी अब कर दिया जाएगा पब्लिश, क्योंकि MIUI 10 उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं किया है जैसा बोल रही थी MIUI, ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए अपने MIUI 11 के काम पे वो लग चुकी है। दोस्तों बात करते हैं 6 में, तो 3D वॉलपेपर। दोस्तों आप जानते होंगे यहाँ अभी तक MIUI 10 पे लाइव वॉलपेपर नहीं आया, अच्छे से लाइव वॉलपेपर वर्क नहीं कर रहा है, और यहाँ MIUI 11 पे 3D वॉलपेपर यूज़ करने वाले हैं। यस आई वॉन्ट 3D वॉलपेपर इन थीम ऐप। दोस्तों 3D वॉलपेपर मतलब एकदम लाइव लुक आपको मिलने वाला है 3D वॉलपेपर का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों अब MIUI अपनी खुद की पेमेंट ऐप भी शुरू करने वाली है, तो दोस्तों वो हो सकता है MIUI 10 में भी मिल जाए आपको या डायरेक्ट आपको MIUI 11 में मिले। तो दोस्तों वो तेज लाइक एप्लीकेशन होने वाला है फ़ोन पे जैसा, ऐसा बात करें तो MIUI की तरफ से वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों आपको MIUI 10 का स्टेबल अपडेट मिल चुका है, तो आप MIUI 11 के लिए वेट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें इतना ही था। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है MIUI 11 बहुत ही कम डिवाइस को सपोर्ट करेंगे, तो दोस्तों वो लिस्ट अभी तक निकल के नहीं आई है। और बात करें Redmi Note 5 Pro, तो दोस्तों वो तो सपोर्ट करेगी, वो MIUI का 10 का लेटेस्ट यानी MIUI का Xiaomi का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, तो उसे तो सपोर्ट करना ही है। और बात करें Redmi Y1 या Redmi 4 की, Redmi Note 4 की, तो दोस्तों वो कंफर्म नहीं है, तो मैं बिल्कुल ही कंफर्म करके आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे न्यूज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा। और दोस्तों जो भी मैं बोलता हूँ कंफर्म बोलता हूँ, तो आप ये लोगो देख सकते हैं, ये MIUI का लोगो है, ये कोई भी फेक लोगो नहीं है। अगर कोई बोलता है ये फेक न्यूज़ है, तो उसे ये लोगो बता दीजिएगा, तो आप समझ सकते हैं ये MIUI 11 आने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।